लेकिन तो मौलाना तारिक जमील जो है उनके बेटे का इंतकाल जैसे अब सब लोगों को मालूम है कि अफसोसनाक खबर आज शाम से गर्दश कर रही थी। मुरली खबरें चाहे मुंगोइयाँ चाह रही थी कि उनको गोली लगी है या उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया कोई दुश्मनी की उस वजह से। तो उनके जो भाई हैं उनका ऑफिशियल इस बारे में स्टेटमेंट आ गया। उनके कहना है कि हमें सूदपुरा खानदान गम में मुबतला है, लेकिन इस काम के जो वाक़ है इस दौरान भी हमें मीडिया पर आगे सफाई देना पड़ी है कि हमारे भाई को किसी ने गोली नहीं मारी, ना कोई ज़ाती दुश्मन की वजह से हुआ, बल्कि मेरा भाई जो था शदीद डिप्रेशन का शिकार होता था और उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी दिया करते थे ताकि उसका डिप्रेशन कम हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कहा कि वो आज घर पर अकेले थे। उन्होंने गार्ड से बंदूक लेके खुद को गोली मार ली और उनका जो कत्ल हो गया। जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग बात की है अब चेम को यहाँ मुझे सोशल मीडिया पे फेक खबरें हर किस्म की खबरें चल रही हैं। इस किस्म की खबरों का ध्यान ना दी जो उनके घर वाले कह रहे हैं उनकी खबर पर यकीन किया जाए और बाकी खबरों से गुरेज किया जाए। और उनका जन्मवाज़ जनाज़ा आज उनके भाई गांव 7:30 बजे शाम को अदा किया जाएगा।